हाई टुडे इज सेवनटीन ऑफ फेबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी लेटेस है डिस्कशन ऑन टूडेज न्यूज़ पेपर द हिंदू सबसे पहले हम बात करते हैं फायर वॉल फॉरेस्ट फायर्स टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स फर्स्ट इज़ फायर वॉल्स फॉरेस्ट फायर्स सेकेंड है न्यू स्पीशीज़ अर्बन रिजार्ट गुहाटी में एक नया स्पीशीज़ मिला है अर्बन रिजार्ट का दैन थर्ड इज़ अबाउट वायनाथ टाइगर रिजर्व फोर्थ टॉपिक है आई एस आर ओ जी सेट वन फिफ्थ टॉपिक है नियो डेथ मध्य प्रदेश में ये बहुत खराब फिगर्स आए हैं नियो डेथ्स के हम इसके बारे में देखेंगे सिक्स्थ इज अबाउट फोर्टीन एम ओ यू विद रशिया फॉर डिफेंस सपोर्ट एंड स्पेयर्स सेवेंथ इज अबाउट इन पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग द वलरेबल इंडियन वोटर ये बहुत अच्छा आर्टिकल है हम इसको डिटेल में देखेंगे देन एट इज़ अबाउट डॉलर फाइव ट्रिलियन इकोनमी जो हम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें क्या रोड ब्लॉक्स हैं विल गेट टू नो अबाउट दैट दैन नाइन्थ इज अबाउट नमस्ते ट्रम्प जिसका अब नाम केम छो से नमस्ते ट्रम्प हो गया है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में हो गए दैन विल रीड अबाउट कोविड नाइन्टीन न्यू केसेज आर ड्रॉपिंग दैन विल नो अबाउट इंटरव्यूज़ यहाँ एक आर्टिकल है अबाउट सिविल सर्विसज इंटरव्यूज़ हम इसके बारे में देखेंगे दैन ट्वेल्थ इज अबाउट डे नाइट टेस्ट एट एडिलेट एंड थर्टिंथ इज अबाउट बलबीर सिंह ईज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हॉकी ट्रिपल ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट सो लेट इज स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टूडेज पेपर लेट इज बिगिन नाउ पेज नंबर वन पेज नंबर वन पे ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है ना दे आर क्लियरिंग श्रब्स घासफूस जो श्रब्स होती है ना छोटे छोटे घास फूस टाइप श्रब्स टू मेक फायर लाइन्स एट द मुकुर्ती नेशनल पार्क नियर उद्योग मंडलम अड ऑफ समर फायर लाइन्स आर स्ट्रिप विदाउट ग्रीनरी और ड्राइड ट्विग्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग तो ये फायर वॉल क्या होता है कि जैसे ही समर आता है टेम्परेचर राइज होता है और ये जितने भी लीव्स होते हैं ये लीव्स सूख के नीचे गिर जाते हैं और इनमें फायर पोटेंशियल बढ़ जाता है इजीली फायर कैच कर सकते हैं तो बिफोर द बिगनिंग ऑफ समर फॉरेस्ट ऑफिशल्स ये एक्सरसाइज करते हैं कि एक फायर वॉल बना देते हैं फायर वॉल का मतलब क्या होता है जैसे सपोज़ फॉरेस्ट फायर यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा फॉरेस्ट है है ना और यहाँ इस एरिया से फॉरेस्ट फायर स्टार्ट हुआ फॉरेस्ट फायर स्प्रेड होता है जैसे हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में बुश फायरस देखी थी ना अगर इसके स्प्रेड में बीच में एक वॉल आ जाए फायर लाइन आ जाए और इस फायर लाइन में कुछ भी बर्निंग कम्जुस्टेबल सब्सटेंस नहीं है फोरेज नहीं है यहाँ पे तो ये जो फॉरेस्ट फायर है ना ये आगे नहीं बढ़ पाएगी ये कंटेन हो जाएगी तो इसको हम बोलते हैं फायर लाइन So, इस नए एरिया में ये स्प्रेड नहीं होगी फॉरेस्ट फायर सो दीज आर स्ट्रिप्स विदाउट ग्रीनरी और ड्राइड विग्स और ट्विग्स और फॉरेस्ट फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग ये प्रिवेंट करते हैं फॉरेस्ट फायर को फ्रॉम स्प्रेडिंग नाउ इसमें एक सैटेलाइट के बारे में हम जानते हैं उसका नाम है नासा मोडिस इसका नाम है मोडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर और दूसरी सैटेलाइट है जिसका नाम है वेर्स विजिबल इमेजिंग रेडियोमीटर सूट स्यूट ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये नासा ऑपरेटेड है और ये क्या करते हैं कि पूरे अर्थ में ये विजिलेंस करते हैं कहीं पर भी अगर 375 सेवेंटी फाइव बाय थ्री का फायर डिटेक्ट होता है ये तुरंत उसका डेटा अपडेट कर देते हैं और ये डेटा इंडिया में रीड करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये नोडल एजेंसी की तरह काम करता है ये इस डेटा को एनालाइज करता है और तुरंत इन्फॉर्म करता है रेस्पेक्टिव टेरिटोरी के डी को कि वॉट एक्शन शुड बी टेकन फॉरवर्ड इसका काम होता है रिलेइंग इन्फॉर्मेशन इन सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कहीं पे भी फॉरेस्ट हुआ है और उसका क्विक रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं अब जो फायर वॉल्स होती हैं दीज आर वन थिंग इसके अलावा हम क्या मेजर्स लेते हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लाइक फायर रिटार्डेंट होते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू स्प्रे करेंगे ताकि फायर को तुरंत बुझा जा बुझाना पॉसिबल हो देन हम ट्राई करते हैं फायर को कंटेन करने का नेचुरल बैरियर्स बनाते हैं जैसे कि ये फायर वॉल है या वाटर बॉडी या वाटर पॉम्प रिवर का स्ट्रीम निकाल दिया तो इससे फायर स्प्रेड नहीं होती सेकेंड थर्ड एक तरीका होता है काउंटर फायर इसमें जो भी आग लगती है ना तो आग वहीं पर लगती है जहाँ पर ऑक्सीजन होता है विदाउट ऑक्सीजन फायर नहीं हो सकती है तो हम काउंटर फायर में क्या करते हैं एक काउंटर फायर लगा देते हैं और वो फायर उस एरिया को ऑक्सीजन को सक कर लेती है तो जो ओरिजिनल फायर है उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो वो अपने आप पर बुझ जाती है देन फोर्थ होता है मैन इसमें क्या होता है जैसे इतने सारे ऑफिशियल्स हैं ना फॉरेस्ट के ये सब तुरंत ग्राउंड ऑन ऑन ड्यूटी फ्रंट लाइन पर जाएंगे एंड बीट द फायर बीट द फायर करके ये अगर फायर का स्मॉल स्केल है तो उसको उधर ही ये बुझाने का ट्राई करते हैं सो यूजुअली ये चार प्रैक्टिकल मेथड है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं देन फायर अगर कहीं पे हो रही है तो अगर वहां पे मैन अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है वो अनकॉन्शियस हो जाता है बिकॉज देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन वो अनकॉन्शियस होकर वहां पर गिर जाएगा इस टाइप की फॉरेस्ट और नेचुरल हैजार्ड से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये होने ही मत दो ये चीजें एजुकेशन हमें ज़रूरत है हमें लोगों को एटिकेट सिखाने पड़ेंगे फॉरेस्ट एटिकेट्स लाइक टूरिस्ट फॉरेस्ट में जाते हैं कई बार वो स्टब सिगरेट स्टब या फिर कुछ वेस्ट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस थ्रो कर देते हैं वो काफ़ी बड़ा एक रिस्क होता है डिज़ास्टर बन सकता है एंड देन हमें क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है सो दिस इज़ अबाउट फायर वॉल समझ आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा इशू होता है अक्सर इंडिया में सो so, ये है न्यूज़ चिकन किलिंग मंकीज ट्रिगर रीथिंक ऑन लेपर्ड ये यहाँ पे जो असम का पार्ट है ना यहाँ बहुत सारे ये मंकी आ गए रिजस मंकी तो पहले भी ये थे बट इनका पॉपुलेशन काउंटर हो रहा था बाय लेपर्ड बट लेपर्ड की पॉपुलेशन इस एरिया में बहुत डिक्लाइन हो गई है दे आर हार्डली फाइव थाउजेंड लेपर्ड्स फिफ्टीन थाउजेंड में ट्वेल्व थाउजेंड लेपर्ड थे अब यहाँ पे केवल फाइव थाउजेंड है सो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन मंकी एंड लेपड नेचर में हर चीज़ ना चेक एंड बैलेंस होता है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं ताकि सबकी पॉपुलेशन एक हेल्दी फिगर मेंटेन रहता है अब यहाँ लेपर्ड की पॉपुलेशन कम हो रही है तो मंकी की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई देन दिस इज पेज नंबर टू ये पेज नंबर थ्री है एट दिस फोटो ये है गैको लिजार्ट लिजार्ट को हिंदी में बोलते हैं चिपकली ये इसका नाम है क्रिस्टो डेक्लेस अर्बेनस ये अर्बन बेंट गैको है ये जोटेक्सा एक मैगजीन है उसमें इसका अभी रिपोर्ट पब्लिश किया है जूटैक्सा एक पीयर रिव्यूड साइंटिफिक मेगा जर्नल है इसमें इसका भी इन्होंने मेंशन किया दिस इज अ न्यू स्पीशीज फाउंड इन दिस एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना ये बायोडाइवर्स है यहाँ बहुत बायोडाइवर्सिटी है गुवाहाटी इज होम फॉर ट्वेंटी सिक्स स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस एम्फीबियंस मीनस लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं फिफ्टी सेवन स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स एंड ऑल 214 species of bird, 36 species of mammal. The city provides that edge for urban biodiversity to thrive because it encompasses 18 hills, 8 reserve forests, 2 wildlife sanctuaries, and a Ramsar wetland besides the Brahmaputra river. So that is why this is a very ecologically important area. So this is page number 4, this is page number 5, and this is page number 6. एंड दिस इज पेज नंबर सेवन ये है पेज नंबर एट ये वायनाड टाइगर रिजर्व को स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि ये अभी वायनाड सेंचुरी है इस सेंचुरी को वो टाइगर रिज़र्व में कन्वर्ट करना चाहते थे ये पावर स्टेट के पास होती है नोटिफाई करने की बट यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इस वायनाड टाइगर रिज़र्व में अराउंड सेवेंटी फाइव टाइगर्स का पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है केरला में दो और टाइगर रिज़र्व हैं एक है पेरियार और दूसरा है पराम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व अब स्टेट गवर्नमेंट ने तो नोटिफाई कर दिया कि हमको इसको टाइगर रिजर्व बनाना है सेंट्रल अगर ये टाइगर रिज़र्व बन जाता है ना तो उस टाइगर रिजर्व को सेंट्रल से असिस्टेंस काफ़ी अच्छा मिलता है टेक्निकल सपोर्ट मैनेजमेंट सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट और एन जो बॉडी है ये फुल्ली फंक्शनल होकर इसको एक्टिव सपोर्ट देने लग जाती है सो काफ़ी बेनिफिट्स हैं टाइगर रिज़र्व बनने के लिए यहाँ पर मैन ऑन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो राइज होते हैं वो भी काफ़ी कम हो सकते हैं बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी ये है सेंचुरी तो सेंचुरी में जो मूवमेंट होता है लोकल्स का विलेजर्स का वो थोड़ा रिलैक्सड होता है बट अगर ये टाइगर रिज़र्व बन गया तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट हो जाएंगी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी और वहाँ का जो डेवलपमेंटल काम चल रहा है वो भी स्टॉप करना पड़ेगा सो so, इसीलिए वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है टू कन्वर्ट दिस सेंचुरी टू हायर लेवल ऑफ़ प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ टाइगर रिजर्व ये हैं आलोक कुमार श्रीवास्तव ये सीनियर आई एस आर ओ साइंटिस्ट एंड डेप्यूटी डायरेक्टर हैं राव सेटेलाइट सेंटर इन्होंने अभी कुछ अभी गाइड बताया है कि इन फ्यूचर वॉट ऑल इसरो इज ट्राइंग टू डू इसरो इज मेकिंग प्रिपरेशन टू लॉन्च जी सेट वन इन मार्च ये जी आई एस ए टी वन होगा ये मार्च में लॉन्च होगा जी आई स्टैंड फॉर जियो इमेजिंग तो मतलब ये एक इमेजिंग सेटेलाइट है कैमराज लगे होंगे इसमें बहुत सारे ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ये हम पहली बार इसको लॉन्च कर रहे हैं अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है जैसे ये हमारी अर्थ है ये हमारी अर्थ है अर्थ के ऊपर ये अपना सैटेलाइट का पाथ हो गया अब जो इक्वेटर है ना इसके जस्ट ऊपर 3600 किलोमीटर पे एक ऑर्बिट हमने ऐसा पाया है कि अगर वहां पे हम सैटेलाइट अगर रख दें तो उस सैटेलाइट की रोटेशन स्पीड और अर्थ की रोटेशन स्पीड ऑलमोस्ट सेम हो जाती है आइडेंटिकल अपीयर होती है अपेरेंटली सो so, वो सैटेलाइट अर्थ के एक पोजीशन से स्टेशनरी दिखने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब आप अर्थ में सरफेस में खड़े हो ना तो आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन में वो सैटेलाइट दिखेगी आपको अपने डिश एंटिनाज वगैरह चेंज नहीं करने पड़ेंगे आप यू जस्ट डायरेक्ट टू वन डायरेक्शन एंड यू वुड फाइंड दैट सैटेलाइट इट लुक्स स्टेशनरी तो जियो इमेजिंग सैटेलाइट में हम अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस ये हाई रिजोल्यूशन कैमराज इसमें लगे होंगे ये कॉन्स्टेंट वॉच करेगी हमारे बॉर्डर्स को और अभी इन्होंने और ये भी बताया चंद्रयान टू ऑल दो नाइन्टी सक्सेसफुल था बट हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे और मून सदर्न पोल के पास में तो चंद्रयान थी आएगा और होपफुली ये एक सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा इसमें रोवर लैंडर भी होगा और ये लैंडिंग करेगा टूवर्ड साउथ पोल ये मिशन भी आ, पास हो गया है सेंक्शन हो गया है एंड गवर्नमेंट एंड आई इज़ वर्किंग ऑन दिस देन एक और बात यहाँ पे किया है वो है स्पेस स्टेशन का स्पेस स्टेशन क्या होता है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना जहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो कुछ टाइम स्पेस में स्पेंड करते हैं तो वो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चाइना अपना खुद का बना रहा है तो हम भी सोच रहे हैं कि एक डेकेट के अंदर इंडिया का ख़ुद का एक स्पेस स्टेशन होगा इन इन स्पेस आउटर स्पेस दिस पैरिफरल स्पेस देन गगनयान मिशन होने वाला है गगनयान मिशन है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स का मिशन इसमें इंडियन मैं मिशन होगा जो स्पेस में जाके कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये एक आने वाला कुछ वन और टू ईयर इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर आई एस आर ओ देन दिस इज पेज नंबर टेन दिस इज पेज नंबर नाइन मध्य प्रदेश ग्रैपल्स विद स्पायरलिंग न्यू नटाल डेथ ये बहुत बिग कॉज ऑफ वरी हो रहा है न्यू नटाल का मतलब होता है फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज बेबी बॉर्न हुआ फर्स्ट ट्वेंटी एट डेज इज कॉल्ड न्यू नटाल इस नियो नटाल की डेथ ऑल दो कम हुई है बट फिर भी दैट इज़ नॉट हेल्दी काफ़ी डेथ हो जाती है बच्चों की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑन राइज अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो हो रही है बट स्टाफ क्रंच है फैसिलिटीज़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन केपेबल नहीं है लो कम्युनिटी रेफरल्स है न्यो नटाल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं है तो इन सब से क्या होता है नियो नटाल डेथ्स हो जाती हैं देन इसमें दो टर्म और इम्पॉर्टेंट होते हैं एक होता है आई और दूसरा होता है एम एम आर आई एम आर स्टैंड्स फॉर अप टू वन ईयर के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं और मटरनल मीन्स मदर ये पर लैक में ये फिगर कैलकुलेट होता है और ये फिगर होता है पर थाउजेंड में देन दिस इज़ पेज नंबर सेम पेज दिस इज़ इंडिया इन्स फोर्टीन एम ओ यू विद रशिया फॉर डिफेंस सपोर्ट्स पेयर्स हम फैंसी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स खरीद तो लेते हैं बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी होती है डेकेट्स होती है अभी आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया ये अगले 20 साल 25 साल तक आपको सर्विस देना पड़ेगा इससे क्या प्रॉब्लम होती है इनके लिए स्पेयर पार्ट्स अक्सर इशूज़ हो जाते हैं और इनकी सर्विसिंग में प्रॉब्लम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल मिक ट्वेंटी देखो कब से सर्विस दे रहा है बोफोर्स हेलीकॉप्टर्स हैं ध्रुव चेतक सो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज सर्विस एंड सपोर्ट इज़ अ बिग चैलेंज कारगिल वॉर के टाइम पे भी हमने देखा था हमारे पास प्लेन्स थे हमारे पास गन्स थी बट उनकी बुलेट्स उनके आर्मामेंट्स ये सब हम अवेलेबिलिटी कराने में बहुत डिफिकल्टी फे फेस कर रहे थे तो अभी ये बात हुआ है जैसे टी नाइनटी टैंक है पेछोरा एयर डिफेंस है इनके लिए इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट्स कर रहे हैं विद रशिया क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो गैजेट्स हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो रशियन सोर्स हैं सो दे वुड बी प्रोवाइडिंग अ सर्विस एंड स्पेर पार्ट्स डिलीवरी इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बात है वो है जैसी इमरजिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं सो देयर इज एन अग्रीमेंट ऑन इमरजिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल रशियन ज्वाइंट वेंचर आई सी टी काउंटर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के साथ हम बात कर रहे हैं प्रपोज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ब्लॉक चेन एट्सेट्रा देन दिस इज पेज नंबर नाइन ये पेज नंबर टेल है एडिटोरियल ये चाइना द मीडिया एंड ट्रुथ टेलिंग इन अ क्राइसिस चाइना में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस uh, होते हैं मीडिया में स्टेट काफ़ी डोमिनेट करता है और हर चीज़ बाहर न्यूज़ में आती नहीं है सेवन बहुत अच्छा आर्टिकल है इन पॉलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग द वलरेबल इंडियन वोटर्स पहले जो वोटिंग होती थी ना वो होती थी मेजर इशूज़ पे कि अभी मास इशूज़ क्या चल रहे हैं नेशनल या स्टेट लेवल पे अब ये माइक्रो टारगेटिंग करने लग गए मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ये वोटर्स को कंडीशन करने लग गए हैं उनको मैनुपलेट भी करते हैं एट टाइम्स और दे ट्राई टू गेट देयर अटेंशन दे प्ले विद ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर ये एक बहुत बड़ा अभी एडवांसमेंट रिसेंट हमने नोटिस किया है ह्यूमन साइकोलॉजी के ये दे प्ले विद दैट ओपिनियंस फॉर्म होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो वो डिसीजन लेते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन योर प्री कंडीशन प्री कंडीशनिंग या प्री कंसीव्ड नोशन हैं या एक्सपीरियंसेस हैं आपके एस्पायरेशंस को वो रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता है आप पीयर प्रेशर पे भी हम कई बार डिसीजंस लेते हैं बिकॉज हमारे दोस्त कर रहे हैं तो हम भी वो करने लग जाएंगे फोमो एक होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में फोमो स्टैंड्स फॉर पियर ऑफ मिसिंग आउट सब लोग कर रहे हैं आपको डर लगता है कहीं मैं नहीं करूँगा तो मैं पीछे नहीं रह जाऊँ फिर एक कूल cool फैक्टर भी होता है तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना ये इनडायरेक्टली हमारे ओपिनियन और डिसीजंस को डिक्टेट करते हैं अब तक क्या हो रहा था कि ये जो कॉरपोरेट्स थे मार्केटिंग टीम्स थी ये लोग इन सब का टारगेशन करते थे दे ट्राई टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ देमसेल्फ और इन सब ह्यूमन साइकोलॉजी से वो हमारी परचेजिंग चॉइसेस को डिक्टेट करते थे अब इन मार्केटिंग और जो कॉरपोरेट्स है इनको रिप्लेस कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज में फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे आप ये कोई भी चीज़ें ले रहे हो यू बाय क्लोथ्स मोबाइल गैजेट्स एट्सेट्रा मैनी टाइम्स यू वुड फील कि आपने वो परचेज़ तो कर लिया है बट डू यू रियली नीड दैट वो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था सो सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग इन पॉलिटिक्स अभी क्या हो रहा है मार्केटिंग फॉर्म्स आ रही है जैसे ये डिजिटल कैम्ब्रिज एनालिटिका है इसका काम क्या था ये डेटा माइनिंग और एनालिस्ट फॉर्म थी इसने अभी यू में एंड देन ब्रेगजिट के टाइम पर भी इसका रोल काफ़ी प्रोमिनेंट था इसने क्या किया ये यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करती थी फ्रॉम सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ट्विटर इन सब से इनका सोशल मीडिया कलेक्ट किया और उसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल का इन्होंने प्रोफाइलिंग कर ली डेटा उनका कलेक्ट करके प्रोफाइलिंग कर लिया फॉर एग्जांपल यू आर यू आर अ पर्सन नेम एक्स अब आपके फेसबुक से ट्विटर से आपकी डिजिटल प्रोफाइलिंग हो गई कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है आपका एजुकेशन लेवल क्या है आप क्या चीज़ प्रेफर करते हो आप लिबरल हो या फिर आप नेशनलिस्ट टेंडेंसी होती है आपका चॉइसेस कैसी होती है तो इन सब से आपकी एक डिजिटल प्रोफाइलिंग हो गई अब इस पे बेस्ड आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट आएंगे या टारगेटेड कैंपेन आएंगे सो so दैट आपका जो वोट है वो डायरेक्ट हो सके टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी और ये सारा काम ये पार्टीज नहीं कर रही हैं ये सारा काम कर रहे हैं ये न्यू एज कॉरपोरेट्स लाइक डिजिटल कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप ऑफ थिंग्स तो यू बिकम अ प्रोडक्ट और ये जो कारपोरेट्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज का टेंडम में दे आर वर्किंग टुगेदर नाउ इनका काम होता है इलेक्शन मैनेजमेंट जैसे इंडिया में भी काफ़ी कुछ इंडिविजुअल्स हैं इलेक्शन पार्टीज हैं उनका काम क्या है उनका काम है इलेक्शन को जिताना उनकी जो लॉयल्टी होती है वो रहती है टू वर्ड्स दे अर मनी दे डू नॉट केयर कभी वो इस पार्टी में इस पार्टी में इस पार्टी में दे कीप ऑन चेंजिंग दे अ पार्टी ऑल दे आर गुड इज टू विन अ इलेक्शन और इसका एक नया टर्म आ गया है इलेक्शन मैनेजमेंट तो ये सोशल मीडिया कैम्पेंस चलाते हैं और इसका बहुत काफ़ी बड़ा बजट रहता है इन सब का वन लैक पीपल आर पोस्टिंग अगर छा जाना ट्विटर में कोई ट्रेंड चल जाएगा मेनी पीपल्स आर पोस्टिंग अबाउट दैट सेलिब्रिटीज़ आर पोस्टिंग दैट इन्फ्लुएंसर्स आर पोस्टिंग दैट तो आपको ऐसा लगता है कि मैं भी अब इसमें ऑल आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट यू वुड थिंक यू वुड ऑल्सो जॉइन दिस बैंड वैगन रियलिटी चेक हर इंडिविजुअल के लिए करना करने का समय होता नहीं है हमारे पास बिकॉज़ वी हैव गॉट अदर थिंग्स टू डू सो इन सबसे ये गलेबल जो डिजिटल टैक्स सेवी जनरेशन अभी आ रही है वहाँ पे इनका मैनुपलेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है प्लस ये जो डेटा है वो होता है आपका पर्सनल डेटा तो ये पर्सनल डेटा में प्राइवेसी होनी चाहिए दैट इज़ वाई गवर्नमेंट लेके आई थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल टू सोशल मीडिया जो होता है ना सोशल मीडिया में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए ट्रस्ट वाला दैट इज़ वाई एनक्रिप्शन इज़ सो मच स्ट्रेस्ड अपॉन पॉलिटिकल एडवर्टाइजमिंग इज़ ऑन राइज सोशल मास इशूज़ थे वो अब चेंज होते जा रहे हैं माइक्रो टारगेटिंग में इंडिविजअल बेसिस पर टारगेटिंग हो रही है इंटरनेट गवर्नेंस मॉडल्स हैं दे आर गुड बट ये अभी भी काफ़ी नाइव है इनका रेगुलेशन ज़रूरी है इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना ज़रूरी है पर्सनल डेटा हारवेस्टिंग होती है इसका मैनुपलेशन होता है एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इसको एक बार आप पढ़ के देखना सो दिस इज़ पेज नंबर टेन दिस इज़ पेज नंबर एलेवन ओपेड में ये फ्रॉम द रीडर्स एडिटर है इसमें ए एस पनीर सेलवन जी का आर्टिकल आता है काफ़ी अच्छा ये थाट प्रोसेस देते हैं इन इन अबाउट मीडिया एंड एडिटोरियल एंड न्यूज़ इन सब के रोल पर देन दिस इज पेज नंबर एलेवन ये है पेज नंबर टवेल्व दिस इज पेज नंबर ट्वेल्व दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन ये मोन्टेक सिंह आउलीवालिया है इन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है डॉलर फाइव ट्रिलियन इकोनमी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक हमारे पुराने जो लास्ट ईयर का था इकोनॉमिक सर्वे उसमें एक बात था वर्चुअल साइकिल का मतलब एक ट्रेंड चल जाएगा सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स का और एक्सपोर्ट्स का तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत हेल्प होगा और 2024 तक अपन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे प्रेजेंट डेट में हम अराउंड टू ट्रिलियन है जी पे कैलकुलेट होता है ये कंपेरिटिवली यू एस है चाइना थर्टीन है तो जीडीपी क्या होता है जीडीपी होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनमी विद इन एन ईयर यहाँ इन्होंने एक बात और किया है कि जो हम ये टारगेट है ऑल इट इज़ वेरी एम्बिशियस और इसका अचीव करना इट्स अ वेरी बिग टास्क बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है अभी आज की डेट में यहाँ बात किया है हिंदू ग्रोथ रेट ये क्या है ये एक टर्म है इकोनॉमिक जार्गन है इसमें यह है कि बिफोर 1991 जब एलपीजी नहीं हुआ था लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन तो हमारा लो एनुअल ग्रोथ रेट था तो इसको हम बोलते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो अगर यही चलता रहा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 2024-25 तक अपन फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने रीज़न्स अभी क्या हो रहे हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो लो ये नमस्ते ट्रंप है मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में अभी ये कवर भी हो सकता है ये नया स्टेडियम अपग्रेड्स हुए हैं यहाँ पे पहले केम शो नाम था अब इसका नाम हो गया नमस्ते ट्रम्प यहाँ एक रोड शो भी होगा डोनाल्ड ट्रम्प का जो विजिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेड डील्स देन दिस इज़ पेज नंबर फोर्टीन न्यू चाइना वायरस केसेज ड्रॉप फॉर थर्ड डे ये कोविड नाइन्टीन अब इसका नाम हो गया है नोवल कोरोना वायरस का और इसका अब केसेस ड्रॉप हो रहे हैं देखो ये जो थे ना कोरोना वायरस ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं ये जो पैथोजें हैं ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज होती हैं और यूजुअली जब टेम्परेचर राइज होता है समर्स आता है तो वायरस इनफेक्टिव हो जाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस केस मीन वाइल्ड गुड न्यूज़ ये है कि जो 658 फिफ्टी एट इंडियंस हमने रेस्क्यू किए थे वो सब फ्री कर दिए हैं उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है और इंडिया ने मेडिकल हेल्प भी ऑफर किया है शिपमेंट्स भेज रहे हैं चाइना को टू बैटल विद दिस कोविड नाइन्टीन देन दिस इज पेज नंबर फोर्टीन ये पेज नंबर फिफ्टीन है रेज योर गार्ड अगेंस्ट द बिग सी कैंसर एंड ऑल बीमार नहीं होना चाहिए स्प्रेड योर रिस्क देन यहाँ पे बात है इंटरव्यूज़ का इंटरव्यूज़ जो भी होते हैं ना दे आर मोर देन अ डायलॉग आप जैसे सिविल सर्विसेज की भी बात करो आपने प्रलिम्स क्वालिफाई किया मेंस क्वालिफाई किया तो ये जो दोनों स्टेजेस हैं इन दोनों स्टेजेस ने टेस्ट कर लिया है आपके नॉलेज बेस को अब जो इंटरव्यू होता है वो होता है मोर अबाउट पर्सनैलिटी इधर हम इवेल्युट करते हैं कैंडिडेट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अब पर्सनैलिटी जो होती है ना वो सबकी यूनिक होती है सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जस्ट बी योर सेल्फ कई बार हमको लगता है कि हमें इतना नॉलेज नहीं है या फिर हमारी वर्बल uh, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या फिर हमें लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है या फिर एनी काइंड ऑफ अगर हमें कुछ ऐसा फील होता है तो वो हमें रिफ़्लेक्ट होने लग जाता है हमारे इंटरव्यू में इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टे काम एंड यू स्टे कॉन्फिडेंट इससे इंटरव्यूज़ में बहुत हेल्प मिलती है औरिजनेलिटी जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो इंटरव्यू बेसिकली कंडक्ट करते हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन 60 60 इयर्स टच होते हैं वो और उन्होंने इतना सारा लाइफ देख रखा है ना दे हैव ऑल्सो गॉन थ्रू योर एज सो दे वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज़ औरिजनैलिटी बी योर सेल्फ डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इफ यू डोंट नो समथिंग यू कैन बी टॉट अगर आपको कुछ आता नहीं है ना तो आपको आसानी से सिखाया जा सकता है तभी तो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है आपको कोई डेटा पता नहीं है आपको फिगर पता नहीं है कोई स्कीम पता नहीं है इट कैन बी टॉट आप उसको पढ़ो सीख जाएंगे बट प्रॉब्लम है कि आप टीचेबल हो या नहीं हो एटीट्यूडनल कुछ गड़बड़ है या नहीं है आपको ट्रेनिंग से ये सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है तो इन सब चीज़ों पर इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है सेकेंड जो इंटरव्यू में ध्यान देने वाली बात है वो होती है नो योर ऑडियंस आप किस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो इज़ इट अ कॉरपोरेट इंटरव्यू और इज़ इट अ सिविल सर्विसेज इंटरव्यू और इज इट इज़ इट अ आर्म्ड और डिफेंस फोर्सेज इंटरव्यू सी मेरा जो मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया था दैट वॉज ऑफ एस एस बी ऑफ इंडियन आर्मी आई हैव क्वालिफाइड एस एस बी ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स बोथ आई वॉज रैंक टू तो उसमें भी अब दैट ऑडियंस इज डिफरेंट एंड वेन आई अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू रजनी राजधान मैडम का बोर्ड था दैट वॉज अगेन अ डिफरेंट थिंग सो आई गॉट वन एटी फोर मार्क्स इन दैट वट आई एम ट्राइंग टू सेज दैट और जब मैं कॉर्पोरेट में कंसल्टेंसी में आया अराउंड टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो यहाँ जो इंटरव्यूज होते हैं ना उसका भी ऑडियंस डिफरेंट होता है सो देट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्या है आप कॉरपोरेट इंटरव्यू सिविल सर्विसज में नहीं दे सकते बट यू हैव टू बी लाइक यू शुड बी औरिजिनल आप जो हो ना वैसे रहो नो योर ऑडियंस एंड बी सिंसियर यू वुड गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू डू लाइक दिस और ये जो नॉलेज होता है ना ये एडिशनल चीज़ें होती है लाइक आपका नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है इन ट्रिलेम्स इन मेन्स नाउ दिस इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी नाउ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है पोलाइट रहना बी रेस्पेक्टफुल ये काफ़ी बड़े और काफ़ी रेस्पेक्टेड पीपल है इट वुड पे इफ यू बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल ये काफी क्वालिफाइड बोर्ड होते हैं तो यहां जो इंटरव्यू के लिए इन्होंने दिया है ये पर्सन है द राइटर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवेज सो दिस इज अ गुड आर्टिकल एजुकेशन प्लस में इसको एक बार पढ़ के देखना आप देन दिस इज आर योर बजट लिटरेट देन ये जो टेस्ट टेस्ट हैं डे नाइट देस्ट हैं एडेलेट में होगा डे नाइट टेस्ट एट एडेलेट टेस्ट मैचेस होंगे इसको कुछ लोग बोलते हैं जो टेस्ट मैचेस होते हैं ना वो ही रियल क्रिकेट होता है आई पी एल एंड ऑल इज़ नथिंग बट प्रॉब्लम ये हो रही है टेस्ट मैचेस को ऑडियंस नहीं मिल पा रही है इसमें ग्लैमर नहीं है करिश्मा नहीं है इतना तो दैट इज़ वाई टेस्ट मैचेस को भी अब थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश हो रहा है और अब डे नाइट टेस्ट फॉर्मेट्स आएंगे देन दिस इज़ स्पोर्ट्स अगेन हार्ड वर्क हार्ड वर्क द ओनली फॉर्मूला देन दिस इज़ बलबीर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हॉकी ये नाइन्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड है ये ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है लेजेंड है और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन हेरिटेज को ड्यू रिकॉग्निशन दे रहे हैं सो दिस इज़ टुडेज न्यूज पेपर टूडे वी रेड अबाउट बलबीर सिंह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हॉकी डे नाइट टेस्ट एट एडलेट देन वी रेड अबाउट इंटरव्यूज कोविड नाइन्टीन न्यू केसेज ड्रॉप नमस्ते ट्रंप मोटेरा स्टैंडर्ड स्टेडियम देन डॉलर फाइव ट्रिलियन इकॉनमी के बारे में हमने देखा इशूज़ क्या आ रहे हैं यहाँ पे Then we read about in political micro targeting the vulnerable Indian voters. 14 MOUs with Russia for defense support and spares. Fifth neonatal death that is a cause of worry, Madhya Pradeshme, ISRO G set 1. Then Wayanad Tiger Reserve, new species urban lizard in Gohati. Then Yehe Firewall Forest Fires. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.